कौन बोल रहा मोटा? हाँ यार मोटे तो हो गए हम। अब पीठ खुजलाने के लिए भाई साहब डंडी चाहिए होती है। हमारे स्कूल में एक टीचर थी, ठीक है, अलका मैम, हिंदी पढ़ाती थी हमें, ठीक है, बिल्कुल हट्टी कट्टी मैडम थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने कुछ शैतानी करी, मैम ने कहा, मैम बहुत गुस्सा हो गई, ठीक है, और एक वो बैलून आता था ऐसे, मतलब उसको हवा भरते थे और वो टॉफी के साथ आता था, तो उसको हवा छोड़ने के बाद जैसे छोड़ के करके आवाज आती थी, ठीक है। तो मैंने फुलाया क्लास में और मैंने, मैम अभी बैठने वाली थी तब तक मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब वो टाइमिंग ऐसी मैच कर गई, क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। तो मैम को लगा कि उनका मजाक बनाया, लेकिन एक्चुअली में मैं तो कुछ और कर रहा था। तो मैम, सारे बच्चों ने मेरी तरफ देखा, हंसने लगे, तो मैम को पता लग गया कि कौन था, तो मैम ने मेरे को बुला लिया। तो मैम मेरे को पहले बहुत डांट रही, ठीक है। फिर उसके बाद मैम ने कहा स्केल लाओ, ठीक है। तो जो जो अच्छे वाले बच्चे स्टार्टिंग में बैठते थे, उन्होंने स्केल ले दिया स्टील वाला, ठीक है। मैम ने ऐसे उठाया, मेरे को बिल्कुल स्लो मोशन फील हो रहा था। मैम ने उठाया 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 और खर खर खर, मैं कहूं भाई कब पिटाई होगी। मैम पीठ घुसला रही, बिल्कुल मत पीट लगे, अगली बार से मत करना बेटा। मैंने कहा हाँ मैडम, ठीक है ठीक है। फिर हमें वापस दे दिया था, ओके।